हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैंटेसी प्लेयर चंद में। तो फ्रेंड बात कर लेते हैं, अब जो T20 ब्लास्ट के मैचेस मैं मैक्सिमम यहाँ पर कवर कर चुका हूँ, दो मैचेस बचे हैं बस, इन दोनों को कवर करना बाकी रह गया। सारे मैचेस मैं कवर कर चुका हूँ। अभी जो मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ वो ससेक्स और मिडिल सेक्स के बीच में खेला जाने वाला मैच जो है, ये मैच खेला जाएगा फ्रेंड। काफ़ी तगड़ा मुकाबला है, बाकी मैं हेड टू हेड के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा इसके मुकाबले को, क्योंकि एक तो क्रेडिट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इसमें भी, और आपको ऐसा प्लेयर छोड़ना पड़ेगा जो सामने वाले के पास हो सकता था, फिर इसकी टीम बन सकती है इसमें, क्योंकि क्रेडिट इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है। अगर आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, बाकी मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर कौन कौन खेलने वाला, कौन कौन कैसे क्या। बट ये हेड टू हेड और थ्री मेंबर लीग के लिए काफ़ी रिस्की टीम, अगर आप रिस्क ले सकते हो तो इसमें खेल सकते हो किसी प्लेयर को, बड़े प्लेयर को ड्रॉप करके। तो चलिए बात कर लेते हैं इस टीम की। बाकी फ्रेंड अगर आपने ऊपर की हमारी वीडियोज़ नहीं देखी तो फ्रेंड मैं यहाँ पर मैक्सिमम सारे मैचेस कवर कर चुका हूँ, आज काफ़ी ज़्यादा मैचेस कवर किए मैंने, वुमेंस के दोनों मैचेस कवर कर चुका हूँ। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हो हमारे वीडियोज़ में जाके, उसके बाद TNPL के दोनों मैचेस में कवर कर चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी हो तो हमारी वीडियोज़ में जाके देख सकते हो। बाकी यहाँ पर जितने भी अभी तक T20 ब्लास्ट के हैं ये सारे मैचेस में कवर कर चुका हूँ, अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो हमारी वीडियोज़ में जाके देख सकते हो। उसके बाद यहाँ से भी मैं इन दो मैचेस को भी कवर कर चुका हूँ, अगर आप वीडियोस नहीं देखी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियोस में जाइए, वहाँ आपको हमारी वीडियो दिख जाएंगी। तो बात कर लेते हैं अब दो मैचेस खेलेंगे ससेक्स और मिडिल सेक्स के बीच में, इसकी टीम मैंने यहाँ पर बना के मैं आपको दिखाया तो टीम क्या क्या हो सकता है क्या होता है। बाकी अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें अच्छा लगता है कि हम आपके लिए कैसा काम कर रहे हैं तो ये सब चीज़ पता चलता है। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दिया करो, और बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, और स्पेशली वो भाई लोग जो हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हेड टू हेड थ्री मेंबर लीग की टीम्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, आपका लॉस रिकवर करने की पूरा कोशिश करेंगे, जितना भी लॉस हुआ है उसको हम रिकवर करने की यहाँ कोशिश पूरी करेंगे। तो टीम मैंने इसकी बना रखी, मैं आपको दिखाया तो टीम क्या फ्रेंड बताना चाहूँगा, ये मैच जो है हॉवे में खेला जाएगा, काफ़ी अच्छी बैटिंग विकेट है यहाँ पर, काफ़ी अच्छा स्कोर बन जाता है, तो आपको उसी हिसाब से अपनी टीम रखनी है, हिटर्स को अपनी टीम में कोशिश करना है ट्राई करने की। तो मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से प्लेयर खेलने वाले हैं और कौन कौन से यहाँ पर नहीं खेलने वाले, सब कुछ यहाँ पर बताया जाएगा, बस वीडियो को पूरा देखना, बिना स्किप करे वीडियो को देखना है। अगर वीडियो को स्किप करते हो तो फिर मेरे से मत कहना कि यार आपकी टीम से मैं हार गया, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, फिर आपको जो डिसीजन लगता है आपको लेना है वो ले सकते हो, उस प्लेयर को छोड़ सकते हो और दूसरे प्लेयर को ले सकते हो। तो चलिए बात करते हैं विकेट कीपर में, आपके पास दो ऑप्शन हैं, दोनों अवेलेबल हैं यहाँ पे, सिमसन और एलेक्स कैरी, और एलेक्स कैरी इस पिच पे ज़्यादा बेटर है जहाँ तक मुझे लगता है, और हेड टू हेड हर थ्री मेंबर लीग और हेड टू हेड लीग में आपको एलेक्स कैरी ही दिखने वाले हैं, हो सकता है कोई कैप्टन वाइस कैप्टन में इनको ट्राई करा, बट ग्रैंड लीग के लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शन है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं बैट्समैन की, पांच मैंने यहाँ पर बैट्समैन रखे, जो बेस्ट बैट्समैन मुझे लगे वो मैंने रख लिए हैं, बाकी अगर आपको लगता है इनसे कोई बेस्ट है तो आप इनको रख सकते हो किसी बड़े प्लेयर को ड्रॉप करके, बाकी आपकी मर्जी है आपको क्या करना है क्या नहीं करना, आपको खुद से डिसीजन लेना पड़ेगा ऐसे मैचेस में, क्योंकि इनमें कोई भी प्लेयर चल सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना कि आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी कि आपको किसको ड्रॉप करना है किसको क्या करना है। तो जैसे एबीडी है, एबीडी को लिया हुआ है, ल्यूक राइट को लिया, यान मॉर्गन को लिया, फिलिप सॉल्ट को लिया और स्कनाजी को लिया। फ्रेंड आप रिस्क ले सकते हो यान मॉर्गन पर, जैसे यान मॉर्गन को छोड़ के यहाँ से किसी ऑलराउंडर जैसे विजय को ट्राई कर सकते हो या फिर पॉल स्टर्लिंग को ट्राई कर सकते हो, और जिसके बेनिफिट ये होगा कि आपके बॉलर्स भी आपको अच्छा खासे बॉलर्स को आप ले सकते हो उसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्रिस ये बन सकता है आपका, बट फ्रेंड मैं यान मॉर्गन के साथ जाऊँगा, जिस हिसाब से विकेट, अगर यान मॉर्गन इस विकेट पर अगर 15 से 16 ओवर में भी अगर खेलने के लिए आ गए तो आराम से 30-40 रन का स्कोर यहाँ पर कर जाएंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर यान मॉर्गन को रखा हुआ, बाकी अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाकी यहाँ पर फ्लिप सॉल्ट को लिया, स्कनाजी को लिया, और एक रिस्क और है फ्रेंड, काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो जाएगा, ये ल्यूक राइट, इनका रिकॉर्ड है फ्रेंड हमेशा पहली विकेट इनकी उखड़ती है अधिकतर मैंने देखा इनके मैचेस में, तो अगर आप इन पर रिस्क लेकर किसी और को रखना चाहते हो तो रख सकते हो, क्योंकि ल्यूक राइट भी अगर मारेंगे तो खतरनाक ही रन मारेंगे, नहीं तो फिर ये 2-4, 10-5 रन पे चले जाएंगे, तो आप रखना चाहते हो तो रख सकते हो, आपकी मर्जी है। बाकी बात करें ऑलराउंडर की, ऑलराउंडर मैंने एकमात्र ऑलराउंडर को रखा हुआ वो है हमारे यहाँ पर टी रोनाल्ड जोनिस, बॉलिंग भी अपने चार ओवर पूरे कराते हैं और अच्छी बॉलिंग कराते हैं, प्लस ये खेलने के लिए भी थोड़ा जल्दी आता है, तो इस पिच पे ऐसे प्लेयर की जरूरत है हमें जो खेलने के लिए जल्दी आते हों, तो इसलिए मैंने यहाँ पर रोनाल्ड जोनिस को, बाकी विजय को और पॉलिस्टिंग दोनों मेरे रिस्क रहने वाले, दोनों को मैंने छोड़ रखा है, बाकी यहाँ पर और कोई खास ऑप्शन है नहीं। डी रोलिन को अगर आप लेना चाहते हो क्रेडिट मैनेज के लिए रोलिन को ले सकते हो, बट मैं नहीं लूँगा, मैं इन्हीं के साथ जाऊँगा। बाकी अब बात कर लेते हैं बॉलर्स की, जो मुझे चार बेस्ट बॉलर लगे कि हाँ इनको विकेट मिल सकती है तो मैंने उनको लिया हुआ, बाकी अगर आपको भी लगता है कि इनको विकेट्स मिल सकती है तो ही इनको रखें, अदरवाइज आप अपने एक या दो चेंजेस यहाँ पर कर सकते हो, आपकी मर्जी है। उससे पहले फ्रेंड अगर आप लोग प्ले स्पॉट पर इंटरेस्टेड हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर साथ ही में रेफरल कोड दिया हुआ है जिसे यूज़ करके आप बोनस ले सकते हो, और
उसे ग्रैंड लीग या हेड टू हेड किसी में भी थ्री मेंबर लीग में भी आप उसको 100% यूज़ कर सकते हो। वो इसलिए कह रहा हूँ फ्रेंड क्योंकि मैं नेक्स्ट मंडे से आपको प्लेयर स्पॉट की भी टीम यहाँ पर प्रोवाइड कराया करूँगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से डाउनलोड करिए उसको, तब तक अपना साइनअप करके वेरीफाई करके सब कुछ रखिए ताकि आपको वहाँ से विड्रॉल करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताना, व्हाट्सअप करना, मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा। तो चलिए बात कर लें बॉलर्स की, जो मुझे बेस्ट बॉलर रखे हो मैंने रख लिया, बाकी आपको सजेस्ट कर दूंगा मैं कौन कौन से बॉलर रखने हैं। और फ्रेंड आपने अगर अब तक भी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आपके लाइक से हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, होता और कुछ नहीं है, बस हमें लगता है कि हाँ भाई पता चलता है कि आप लोगों को हमारी टीम्स कैसी लग रही हैं। और आप हमारी टीम, अगर आप हमारी टीम से जाते हो तो आपका लॉस विन कुछ भी होता तो फ्रेंड प्लीज़ शेयर किया कीजिए, क्योंकि मैं संडे में एक वीडियो बनाता हूँ टीम्स परफॉर्मेंस की, जो हमारी टीम जो हमने दी होती है उनका क्या क्या परफॉर्मेंस रहा वो सब चीज़ आपको बताया जाता है उस वीडियो में। तो इसलिए उन स्क्रीनशॉट्स को शेयर कीजिए ताकि संडे में आपको देखने को मिले कि हमारी टीम्स की क्या क्या परफॉर्मेंस। अगर आप हमारी सेम टीम से जाते हो तो आपका लॉस वगैरह होता तो प्लीज़ शेयर किया कीजिए। बाकी अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी टीम से तभी जाया करो जब आप पूरे सेटिस्फाइड हो, हाँ भाई ये टीम विनिंग टीम हो सकती है, तभी आप हमारी टीम से जाइए। अदरवाइज आप अपना एक या दो चेंजेस करके आप अपने खुद से एक अच्छी टीम क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए आपको बॉलर दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने कौन कौन से बॉलर्स रखे हुए हैं जो मुझे बेस्ट लगे हैं। डैनी ब्रिक्स को रखा है, रिसे टोपले को रखा है, उसके बाद यहाँ पे स्टुअर्ट फिन को रखा है, और उसके बाद यहाँ पे मैंने नाथन स्वेटर को रखा है। स्टुअर्ट फिन को मैंने अगर इसकी जगह रखना चाहे तो टॉम हेलम को, तो टॉम हेलम ज़्यादा बेटर है क्योंकि स्टुअर्ट फिन का रिकॉर्ड है ये ले जाते तो 3-4 विकेट ले जाते, नहीं तो एक भी ले जाते, और मार सबसे ज़्यादा इन्हीं में पड़ती है। तो आप इनको लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बट स्टुअर्ट फिन को मैं अभी इनको हटा रहा हूँ, मैं इनको नहीं रखने वाला। अगर आप रखना चाहते हो तो रख सकते हो, क्योंकि लास्ट मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करी और हर किसी के पास होने वाले हैं। इनका भी हिसाब एडम मिलने की तरह, एडम मिलने में मार पड़ती है, जबरदस्ती पड़ती है, और विकेट ले जाता है 3-4 विकेट ले जाता, तो लास्ट मैच में ले जा चुके हैं जहाँ तक मुझे लगता है इनका कोटा हो चुका पूरा। तो इस मैच में मे भी इनको विकेट ना मिले, तो इसलिए मैं यहाँ पर टॉम हेलम को ट्राई कर रहा हूँ। तो ये रहेंगे मेरे बॉलर्स, और बाकी आप यहाँ ट्राई करना चाहते हो तो ऊपर के राशिद खान को ट्राई कर सकते हो, क्रेड मैनेज कहीं से कर लो तो टाइमल मिल्स को ट्राई कर सकते हो, रॉबिन्सन को ट्राई कर सकते हो, स्टुअर्ट फिन को ट्राई कर सकते हो, बाकी मजीबुर रहमान है, बाकी यहाँ पे एन स्वेटर को मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। अगर आपको पसंद आती है हमारी टीम, अगर आप सर्टिफाइड हो हमारी टीम से कि हाँ भाई ये टीम विन कर सकती है, तभी हमारी टीम से जाना, अदरवाइज आप अपना एक या दो चेंजेस करके आप अपने खुद से एक अच्छी टीम क्रिएट कर सकते हो। तो ये थी फ्रेंड हेड टू हेड थ्री मेंबर लीग की टीम। अब बात करते हैं ग्रैंड लीग की, उससे पहले फ्रेंड कैप्टन मेरे यहाँ पे एबीडी रहने और वाइस कैप्टन मैं यहाँ पे आज रख रहा हूँ अपना थोड़ा सा रिस्क लेके ल्यूक राइट को। अगर आपको लगता है कि नहीं ये कुछ और अगर बनाना चाहते हो आप ससक्स से बना देते, एलेक्स कैरी भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन होंगे बनाने के लिए, मगर इनके बॉलर्स और बैट्समैन ओपनर्स इन्हें काफ़ी अच्छे हैं कि जो नहीं एलेक्स कैरी की बैटिंग आना थोड़ी मुश्किल क्या, वन डाउन आते हैं आ भी सकते हैं बैटिंग, अगर ऊपर ल्यूक राइट फिलिप्स और कोई जल्दी आउट हो जाता तो ये बैटिंग के लिए तुरंत आने वाले, तो आप इनको भी कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अच्छे प्लेयर और T20 ब्लास्ट में बहुत तगड़ा खेलते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये रही टीम हमारी जो हमें लगी, हमें बेस्ट तरीका जो हमें लगा टीम बनाने का, बेस्ट कॉम्बिनेशन जो लगा मुझे वो मैंने आपको दे दिया। बाकी अगर आपको भी लगता है ऐसा हो सकता तो प्लीज़ आप तभी हमारी टीम से जाए, अदरवाइज आप अपने एक या दो चेंजेस करके अपनी खुद से टीम क्रिएट कर सकते हो। अब बात कर ले ग्रैंड लीग की, ग्रैंड लीग में अगर आपको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है, एक तो आपके लिए एलेक्स कैरी का भी अच्छे ऑप्शन होंगे, दूसरे ल्यूक राइट, और तीसरे यहाँ पर टी रोनाल्डो जोनिस काफ़ी अच्छे हैं आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए ग्रैंड लीग में। अगर आप 2-3 टीम में चाहते हो तो इनको ट्राई जरूर करना, हो सकता है आपका दिन हो आपको विन करा दें। तो चलिए फ्रेंड ये थी हमारी टीम, आप प्लीज़ चैनल को अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और चलिए फिर थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।